हेलो एवरीवन योर मोस्ट वेलकम टू आर एम एन एस प्रेब चैनल डेडिकेटेड टू एम एन एस एस्परेंस सो एज आई सेड अर्लियर जैसे जो वहाँ पर सरस्वती होती है वैसे ही बात सच हो जाती है सो आई रिमेंबर द डे वैन वन ऑफ द स्टूडेंट आस्ट मी कि मैम क्या वेटिंग लिस्ट का कोई चांस है एंड शी वॉज लिटिल बिट वरी बिकॉज शी स्कोड थ्री नाइन्टी टू एंड यू नो टच्ड जस्ट बॉर्डर लाइन सो एज आई टोल्ड हर दैट देर आर यू नो नाइन्टी फाइव परसेंट चांसेस ऑफ बींगलेक्टेड फॉर मेडिकल एंड इंटरव्यू इन इवन सी बी टी बिकॉज आई गिव हेम द रीजन एज ए सेट कि इस बार जो है आपका मेडिकल के लिए कम चांसेज हैं फोर्टी टू डेज की जगह आपको विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स में ही बता दे रहे हैं कि आप फ़िट हो या अनफिट हो आफ्टर अपीलिंग फॉर द अपील मेडिकल बोल सो वॉट आई वॉन्ट टू सेन दिस वीडियो दैट फाइनली द वेट इज़ ओवर दोज यू आर वेटिंग लिस्ट एंड दोज यू आर वेटिंग फॉर सी बी टी एंड इंटरव्यू और उनके लिए मेल आ चुका है सो वट दिस मेल इज ऑल अबाउट योर विलिंगनेस दैट यू आर इंटरेस्टेड टू अपियर फॉर मेडिकल इंटरव्यू एंड सी बी टी सो डियर कैंडिडेट रेफर मेल डेटेड सिक्स ऑक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू रिगार्डिंग द स्क्रीनिंग प्रोसेस ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स कॉम्प्रोमाइजिंग आपका शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का सी बी टी होगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट एज आई सेड अर्यर वो इंटरव्यू में ही शामिल है उसके बाद इंटरव्यू होगा आपका मेडिकल टेस्ट होगा फॉर सेलेक्शन ऑफ बी एस सी नर्सिंग कोर्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू विच इज कन्फेंस ऑन टेंथ ऑफ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू एट बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट तो आई थिंक टेन अक्टूबर तक ये चलेगा ओके okay. उसके बाद सेकेंड पॉइंट रखा है इसका मैंने फुल फॉर्म देखा था गूगल पर आई फोगेट द एडिशनल लिस्ट ऑफ़ द कैंडिडेट शेड्यूल्ड फॉर स्क्रीनिंग हैज बीन डिस्प्लेड एट दिस वेबसाइट ऑन ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स में जितने भी बच्चे वेटिंग में थे आई डोट नो सभी का हुआ या नहीं बट आई टेल यू द रीज वन मार्क्स दैट इज वन ऑफ द कैंडिडेट स्कोड थ्री सिक्सटी टू इन नीट तो शी गॉट दी कॉल लेटर ऑद मेल सो थ्री सिक्सटी टू के अप्रॉक्स जिसके मार्क्स हैं वो चेक कर लेना ओके सो इक्कीस अक्टूबर दो हजार बाईस पर ये डेट जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो डिस्प्ले कर दी जाएगी यू हैव बीन शेड्यूल्ड फॉर द स्क्रीनिंग प्रोसेस एंड कैन डाउनलोड योर एडमिट कार्ड ना थर्ड पॉइंट जो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि करना क्या है इसमें सो यू जस्ट मेल टू दिस ई मेल एड्रेस प्लान डॉट प्लान फिफ्टीन एट द रेट जी मेल डॉट कॉम डॉट एन आई सी डॉट इन सॉरी प्लान डॉट प्लान फिफ्टीन ऐट द रेट एन आई सी डॉट इन तो इस मेल एड्रेस so, plan uh, plan so, पर आपको अपना नेम मैंशन करना है वाइल राइटिंग द मेल यू हैव टू मैंशन योर नेम योर रेफरेंस नंबर एंड आपको लिखना है कि येस आई एम विलिंग टू अपीयर फॉर द सेलेक्शन स्क्रीनिंग ओके तो ये आपको बस इतना टाइप करके लिखना है और सेंड कर देना है सो so, इसमें आपको क्या लिखा है यू आर रिक्वेस्टेड टू शो योर विलिंगनेस टू अपीयर फॉर द सेलेक्शन स्क्रीनिंग एट दिस ई मेल एड्रेस फॉर कन्फर्मेशन आपको ट्वेंटी फाइव अक्टूबर ऑन और बिफोर ट्वेंटी फाइव अक्टूबर से पहले पहले या ट्वेंटी फाइव अक्टूबर तक आपको ये मेल सेंड करना है ठीक है दे जस्ट वॉन्ट टू नो कि वेदर यू आर विलिंग और जस्ट यू आर हेयर फॉर द टाइम पास तो बस ये आपको शो करना है कि दैट यू आर विलिंग टू appear फॉर द मेडिकल एंड इंटरव्यू यू आर ऑल्सो डायरेक्टेड टू कम फॉर द स्क्रीनिंग आफ्टर लाइट ब्रेकफास्ट and comfortable क्लोथिंग फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन बाकी जो फर्दर इंफॉर्मेशन है वो सेपरेटली आपको मेल पर मिल जाएंगी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका यू होना होगा मतलब अल्ट्रासाउंड तो आपसे खाली पेट आने के लिए बोला जाएगा अदरवाइज अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल एज़ आई सेड अर्यर मॉर्निंग एंड इवनिंग बैच में वो डिवाइड करते हैं तो एज़ पर कन्वीनियंस अगर आपका मॉर्निंग बैच में होगा तो मेडिकल होना होगा पहले तो उसके लिए आपको खाली पेट आना होगा वो आपको मेल कर देंगे जिस भी बैच में वो आपको पुट करने वाले हैं ठीक है ठीके?

यू कैन गो थ्रू द कोर्स दैट वी हैव लॉन्च फॉर इंटरव्यू इन मेडिकल ऑलरेडी उसमें आठ से दस रिकॉर्डेड सेशन हैं फॉर द इंटरव्यूज जिन्होंने इंटरव्यू दिए हैं शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के और बाकी इन्फॉर्मेशन की इंटरव्यू किस प्रोसेस में हो रहा है क्या क्या हो रहा है ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर पता चल जाएंगी आई शो यू वन ऑफ द स्क्रीन शॉट जिस बच्चे से मेरी बात हुई थी शी सेट की येस मैम आई गॉट द मेल एंड इट इज वॉट वी कॉल्ड वट वी टेल वॉट आई इट टेल हर जो एक्चुअली ट्रू हो गया है ना हर इंटरव्यू विल बी ऑन ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ अक्टूबर सो ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ अक्टूबर से लेकर थर्ड नवम्बर तक भी है उसके बाद भी हो सकता है आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस ऑल क्योंकि अभी बच्चों से ज़्यादातर बात नहीं हुई है अभी रिलीज हुआ है तो सुबह ये वीडियो जब आप देख रहे होगे तब तक आपको ये मैसेज मिल चुका होगा मेल चेक कर लेना अपना जो भी रजिस्टर्ड मेल आई आपको आपने दी है तो उस रजिस्टर्ड मेल आईडी पर आपको चेक करना है वेदर यू रिसीव दैट मेल मेल और नॉट ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल रिसीव दिस मेल थैंक यू